फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने रणवीर कपूर की हाल ही में रिलीज हुई एनिमल फिल्म की जमकर तारीफ की, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने निर्देशित किया था। एक्शन ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अपनी कहानी के लिए इस आलोचना का भी सामना करना पड़ा। हालांकि करण ने एनिमल को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा और ये भी खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म दो बार देखी है। करण जौहर ने संदीप रेड्डी, रानी मुखर्जी, तापसी पन्नू, पृथ्वी कुनानूर, जूड एंथनी, जोसेफ और रीमा दास के साथ एक एक कार्यक्रम में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा से उनकी फिल्म की तारीफ की, कहा कि एनिमल साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और इसकी सफलता गेम चेंजर है। करण ने कहा कि जब मैंने बताया कि मुझे एनिमल कितनी पसंद आई है तो लोग मेरे पास आए और बोले कि आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनाई है जो इस फिल्म में बिल्कुल विपरीत है। तब मैंने कहा कि मैं आपसे अधिक असहमत नहीं हो सकता क्योंकि मेरे लिए एनिमल साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इस निर्णय पर पहुंचने से मुझे थोड़ा समय लगा और बहुत साहस लगा, क्योंकि जब हम लोगों ने आसपास होते हैं तो इस तरह के निर्णय लेने से डरते हैं।